इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सेंट जॉन्स कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल गनापुर बल्दीराय सुल्तानपुर। इस बुलेटिन के सह प्रायोजक हैं श्रद्धा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हलियापुर रोड पारा चौराहा सुल्तानपुर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। सीएम योगी का जनता दरबार गोरखपुर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में सीएम ने सुनी फरियाद, सभी से शिकायत पत्र लेकर दिया आश्वासन, अधिकारियों को समस्या निस्तारण के लिए दिए निर्देश। सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव और होली त्योहार पर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सक्रिय हुए बंधुआ कला थाना पुलिस। एसपी अरविंद चतुर्वेदी के निर्देश पर एसओ प्रवीण यादव ने दी ताबड़तोड़ छापेमारी। गौ तस्करों और पुराने अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी से मचा हड़कंप। सुल्तानपुर में हलियापुर क्षेत्र के श्री बलदेव सिंह भोले सुल्तान महाविश्वविद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्र सेवा योजना के विशेष शिविर कैंप का समापन। श्रीमती सुंदरा देवी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में संपन्न हुआ कार्यक्रम। 7 दिन के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम में नारी सशक्तिकरण, साक्षरता अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर के लिए दी गयी कई प्रस्तुतियाँ। सुल्तानपुर में धम्मौर पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 10 जुआरियों को किया गिरफ्तार। थाना अध्यक्ष धम्मौर रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में धम्मौर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजापुर कुटिया बाग में पहलवान वीर बाबा के पास से 10 जुआरियों को दबोचा। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर सुल्तानपुर में विकास खंड बल्दीराय के समाकक्ष में मुख्य अतिथि प्रदीप कुमार ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, किसानों को किया गया सम्मानित। सुल्तानपुर में चोरों के हौसले बेहद बुलंद, बेखौफ चोर उठा ले गए बैंक के जनरेटर में लगी बैटरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दोस्तपुर थाना क्षेत्र स्थित स्थानीय बाजार का मामला। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर मिशन किसान कल्याण के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन। भाजपा जिला महामंत्री सुरेश कनौजिया रहे मुख्य अतिथि, किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के साथ ही उन्हें किया गया सम्मानित। अम्बेडकर नगर जिले के एक निजी स्कूल में छात्र छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल, डीआईओएस ने प्रबंधन समिति को सौंपी जांच। अम्बेडकर नगर जिले के अशफाबाद निवासी लोकतंत्र सेनानी मुख्तार अहमद का निधन, गार्ड ऑफ ऑनर से दी गई अंतिम विदाई, अंतिम विदाई के समय नम हुई सभी की आंखें। कन्नौज में 65 वर्षीय बुजुर्ग ने रेलवे ट्रैक पर करी आत्महत्या, राम लड़ैत पुत्र राम सनेही निवासी उदयतापुर के रूप में की गई बुजुर्ग की पहचान, कन्नौज जिले के मानीमऊ क्षेत्र कस्बे का मामला। बुलंदशहर में कानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम काचरोट में बना अन्य प्रदेशों से चोरी के वाहन काटने का अड्डा, हरियाणा पुलिस की छापेमारी से हुआ सीओ सियाना अलका सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद। बुलंदशहर में बदमाशों ने खाकी को खुली चुनौती देते हुए पुलिस सुरक्षा में गोली कांड को दिया अंजाम, रंजिशन की गई अंधाधुंध फायरिंग में एक सुरक्षा कर्मी समेत 4 लोग घायल, सुरक्षा कर्मी के घर में मचा कोहराम। बुलंदशहर के अनेरिया ब्लॉक में किसान मेला का हुआ आयोजन, किसानों को दी गई कृषि के बारे में जानकारी। जालौन में एक बार फिर दुष्कर्म का मामला आया सामने, भागवत करने आए बाबा ने पत्नी के साथ किया बलात्कार, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को लाकर किया हवालात में बंद। जनपद जालौन के कोंच कोतवाली के सुरई चौकी क्षेत्र का मामला। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।